तो आज हम बना रहे हैं मेन्यू हमारे घर के खाने की। तो हम क्या क्या खाना है, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत हो जाती है मम्मी को सुबह शाम, जो शाम को क्या बनाना फिर सुबह। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इतना सारा भाई साहब दावत मेरे लिए है, तो ये रख इतने रख सारे के हमें बचा नमकीन करके ताकि क्यों नाम क्यों दिखाई दे मुझे। आपने दिखा दिया आप तो दिखा तो दिया तो ढूंढेगा जरूर तो ढंग जाए। लोगे छुपा करके। सो गाइस, फर्स्ट वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैंने क्लीन शेव कर लिया, बाल भी हाईलाइट कर दिए, जब भी कुछ खाने काम बोलो पे इसे 6 बज चुके हैं, एडिटिंग पूरी हो गई है, एक वीडियो अपलोड कर दी और अब शाम को डालूंगा। वैसे निकाल ले का इतने इधर सारे वाले खाने का नमकीन, खाली छोड़ दूंगा रे। बहुत सारी नमकीन है यार। एक हाथ तो हट गया, हट जा, एक ले ले बस। हाँ तो एक तो ले वहीं पर निकाल बाहर, क्या क्या माल जब घूमा ना, क्या क्या चीज़ उसके बाद सब घूमा मैं। इधर मौजूद का डिब्बा भी अलग है, एक तो ये चाहिए मुझे। एक लिए तो मिलेगा बताओ यार, कहाँ से बाहर जाकर था इसने सामान। खैर मैं यही खाता हूँ और दाल वाल खाता नहीं, दाल वाल। तो अभी क्या बना रहे हो? चावल बना रही, पीले वाले। तो पीले वाले चावल खाएंगे यार, मतलब चावल लाल। वो वाला बहुत बड़ा मत बना, पहले वाला ना देख मत आ रहा ब्लॉग बना। कैसे बनाया है? प्लेट ये तो बड़ी आ रही ना उसकी, तो एडजस्ट कर ली तूने? मसाला आप दिए वो क्या ही नील के मसाला मेरे जो। हां हां पूछ तू जरा कौन सा मसाला काय का होने वाला। चावल पुलाव बनाने का बहुत अच्छा है। अब तुम बैठे थे बाहर खाना से और तू उधर बैठ जा, सूरज को फोन कर। अरे बताना जिम में हो या टेम्पो? चावल तो मिल जा रही हूँ, चाय नहीं मिला रही, मैं दूध कर रही हूँ। मिले थोड़ा, तेरे को दूध कर चुकी मैं, ठीक है? थोड़ा अंदर अभी दो, अब जल्दी क्या करूँ, कर रही हूँ रोटी दो भाई। बात मैं कह रही हूँ तो फिर आ के ही है ना, तो नीचे तेरे से तो चमकी ना कभी आया है क्या? अब आया, आज बड़ा सा लग रहा, तो बड़ा हूँ मैं, छोटा सा लगा। ऐसा क्यों मोबाइल की डिस्प्ले खराब हो रही है? अब तुझे दूसरा मोबाइल। अच्छा परछाई आ रही है हाथ की, यहाँ लाइन सी आ रही है। अच्छा इधर देखो ना, काल काल से आ रहा है क्या? ये परछाई आ रही है हाथ की। मैं सोच रहा डिस्प्ले खराब हो दिखे, परछाई आ रही है। तो मैं रोटी मलाला की नहीं, बिल्कुल फेवरेट है बड़का की। तो भिंडी बहुत पसंद है। और खाने में क्या क्या पसंद है? कचौड़ी बहुत पसंद है, खाऊ। और क्या पसंद है फिर? इतने तो है महंगे, 10-5 रुपए तो 10-5 रुपए ना हो इतने इतने वो ना है, हम गरीब भैया गरीब है ना अमीर। हम है मिडिल क्लास, मिडिल क्लास फैमिली। नहीं बस कोशिश कर रहे हैं अमीर बनने, जल्द से जल्द अमीर बन जाएंगे। ले रोल लेना रोटी का, रोटी का रोल, एक और रोल। चलो थोड़ा एक रोटी आज रात दूध खाऊंगा, थोड़ा बाहर जा रहा हूं मैं, थोड़ा घूमता हूं। तो सोचे थोड़ी देर बाहर चलते हैं, बाहर तो हो रहे हैं, मतलब बाहर ही मैं हूं, खाऊंगा पीके तो एक बट बाहर जा रहा हूं। पहले तो खा ले, हाथ धो ले दोनों, टाइम हो गया। एक मुंह लगा तू कर मैडम, 5-6 बजने वाले हैं टोटल, चलता हूं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर बना रहे हैं मेन्यू हमारे घर के खाने की। तो हम क्या क्या खाना है, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत हो जाती है मम्मी को सुबह शाम, जो शाम को क्या बनाना फिर सुबह जो बनाना है। तो ये टेंशन दूर करने के लिए हम पहले से टाइम टेबल बना रहे थे, हाँ भाई संडे में क्या खाएंगे, मंडे में क्या खाएंगे और सुबह शाम क्या क्या बनेगा, ताकि एक बार में हम पूरा मेन्यू डिसाइड कर लें जो जो चीज़ें और बनते रहे। एक हफ्ते में एक बार पूरी पराठे या कचौड़ी। हाँ एग्जाम, और जो जो चीज़ें सबको पसंद है उस सबके हिसाब से मेन्यू से लगा करके वो बनाएंगे, तो हमारा झंझट खत्म जाएगा कि क्या बनाना है, और वही चीज़ बनी चलेगी, सब्जी भी आ जाएगी वो वाली। तो चलो सबसे पहले आते संडे पे ही, संडे में आता फ्री, संडे में कचौड़ी बननी चाहिए या फिर नहीं सुबह बननी चाहिए बथुए पराठे। सुबह नहीं बनते ना, तो सुबह क्या बनना चाहिए? सुबह बनना चाहिए हल्का खाना, दाल चावल,
दाल चावल, दाल तो तुम्हें खाना था। तो दाल चावल बना लेना, चावल तो खा लेंगे यार, राजमा चावल सुबह सुबह संडे में है ना। जल्दी बताओ, सुबह हल्का खाना, शाम के टाइम बथुआ कचौड़ी या पराठे। तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिख दो? हिंदी में दो, मम्मी पढ़ने झंझट ना हो बाद में। हटे। तो सुबह सुबह क्या, सबसे संडे में सुबह सुबह क्या नाश्ते में? नाश्ते में सब्जी में पूछ रहा हूँ, राजमा ही सही है। राजमा, राजमा हो, मगर सुबह के टाइम में तली दार सब्जी अच्छी है, जाने दिन में दो बार खाते ना। हटे। शाम के टाइम एक बार सब्जी चल जाएगी, देखिए दिन के टाइम तली दार सब्जी अच्छी। तो संडे या सुबह हो गया राजमा, और शाम को क्या कचौड़ी? ठंड का मौसम चल रहा है, पराठे पराठे खा ले करो, कचौड़ी खाओ। कचौड़ी तो बस वही पराठे हैं, हां कचौड़ी है। ये तो चटोरा हो रहा, चटोरा ना। तो अब बताओ मंडे का, मंडे में क्या बनना चाहिए? यार रोज कहां सोचेंगे, जल्दी बताओ, सोचना है, बनाते रहो लिख के लिस्ट एक बार। हां यही बनाएगा कोई? हां वही बनता रहेगा। शाम को दाल चावल, अरे दाल और चावल। सुबह बताओ, सुबह मंडे में लिख देता हूँ जरा, आलू सोयाबीन। और शाम में मम्मी, शाम बताओ, शाम में मुझे ना पता, तुम सटकने वाले, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। जल्दी बताओ, मेरी टेंशन ना, पूरी कब बनेंगे? बर्तन ना मांग दो, फिर अगर तीन जने और मांगे चाय चलो पहले मेन्यू सुनो, मेन्यू बैठो, सही इधर बैठ जाओ, बैठो पहले। हाँ हाँ, हमारा मेन्यू बना है, हम स्टार्ट जाते हैं संडे से, संडे में क्या बनेगा उससे बात देखते हैं एंड तक क्या बनाते हैं। संडे में भाई सुबह बनेगा हमारा राजमा, ठीक है भाई, मंजूर है ना? चावल। शाम को बनेंगे बथुआ के पराठे, जो ठंड का मौसम चल रहा है, ठीक है? अबे जो चीज पे चुपचाप बैठ जा, समझा ना? सोमवार बनेंगे सुबह सुबह आलू सोयाबीन की सब्जी, तरी वाली, ठीक है, जो पापा पसंद है, मतलब सब्जी पसंद है, चलते हुए चल रहे हैं हम, जो एक एक को पसंद हो। अब बताता हूँ अभी, कोई बात ना। और सोमवार में शाम को बनेंगे दाल चावल हल्का खाना, क्योंकि संडे में खाया हमने भारी खाना। उसके बाद बनाएंगे बृहस्पतिवार में, मंगलवार में आलू गाजर, सुबह सुबह गाजर भी आएगी। शाम में बनाएंगे पत्ता गोभी, मिक्स वेज जो होती है, कोई बात ना। उसके अगले दिन बनाएंगे बुधवार में भिंडी, भिंडी जो है मेरी फेवरेट। फिर अम्मा जी सिफारिश पर सबसे नीचे बुधवार को बनाएंगे साग, क्योंकि बुधवार पड़ता है एकदम बीच में, ना संडे में ना शुरुआत में, तो बीच में निकल जावे ऐसे ही। आज तो बुधवार ही साग बनना है। और आया बृहस्पतिवार में, बृहस्पतिवार में सुबह सुबह बनेंगे आलू टमाटर तरी वाले, जो सिंपल बनाते हैं आलू टमाटर या आलू मटर। हाँ, उसके बाद शाम को बनेगी, क्योंकि हम यहाँ पे हम तीन दिन से, क्योंकि हमने लास्ट टाइम संडे में खाई थी बढ़िया सब्जी, तो अब बढ़िया सब्जी खाने की बारी, नितिन किया था, यहाँ बनेगी पूड़ी, यहाँ बनेगी पूड़ी सब्जी। फिर शनिवार आ जाता है, शनिवार बनेगी आलू की सब्जी, और लास्ट में अपना पीला चावल पुलाव। तो सब एग्री मेन्यू से एकदम ओके डन, बस तो अगर मान लो रिश्तेदार रिश्तेदार आते हैं तो उनके लिए अलग से तो देखा जाएगा, पर हमारा मेन्यू ये है, जब इसका प्रिंट आउट करवा लूंगा डेली मेन्यू। हां इसका प्रिंट आउट ले आऊंगा इधर वाले का, देंगे घर के अंदर। अरे राजी सी मैस का मेन्यू, हां ये बात है, अरे एक 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 ब्रेड खाऊंगा, इतने सो रहे ना, दो ब्रेड खाई ठंड में, खाओ ना तीन खा ले, और आज हमें एक साल हो गया, हम लास्ट ईयर वैष्णो देवी गए थे, आज से दिन ही हमें ट्रेन थी 11:10:44 के आस पास ही, फिर हम 10 दिन के गए थे, 12 दिन बाद वापस आए थे घर के अंदर। 19 हो गए हैं, 28-30 में आए शायद, 30 में आए। इधर बिट्टू भैया दिखे हैं, हाँ जिस दिन वो सो गए थे, सब चीज़ हो चुका है, सब सो चुके हैं यहाँ पे अपने आराम से, लाइट वाइट जल रही है हरी, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 7:30 बजे, गुड नाइट, खराब।